दोस्तों, आपने 2003 की सुपरहिट फिल्म तेरे नाम तो देखी होगी ना। इस फिल्म की कहानी में एक लड़का अपनी प्रेमिका को इस कदर प्यार करता है कि उसे पाने के लिए जद्दोजहद करता है, लेकिन अंत में उसकी प्रेमिका की मृत्यु हो जाती है और वो पागल हो जाता है। यही दर्दनाक कहानी दर्शकों को इतना पसंद आई कि दर्शक इस फिल्म को देखने के लिए पागल हो गए। अगर आज भी ये फिल्म टीवी पर आ जाए ना तो लोगों के आंखों में आंसू आ जाते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम फिल्म के बारे में नहीं बल्कि फिल्मों में काम कर चुके कलाकारों के रियल लाइफ पार्टनर से आपको रूबरू करवाएंगे। अगर आप भी ये बातें जानना चाहते हैं तो वीडियो के एंड तक बने रहना। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। नंबर 6, सविता प्रभुने। इस फिल्म में सहायक अभिनेत्री के तौर पर सविता प्रभुने ने राधे की भाभी का किरदार निभाया, जो अपने देवर का काफी सपोर्ट करती हैं। इस फिल्म में इन्होंने अपने इस किरदार को अच्छे से पर्दे पर उतारा और काफी लोकप्रिय हो गई। अगर बात करें इनके पति की, तो इन्होंने शादी नहीं की है। ये हमेशा अपने करियर पर फोकस करती रहती है और बाद में सोचेगी अपने शादीवादी के बारे में। नंबर 5, सचिन खेड़ेकर। इस फिल्म में सहायक अभिनेता के तौर पर सचिन खेड़ेकर नजर आए, जिन्होंने इस फिल्म में राधे के बड़े भाई का किरदार निभाया, जो अपने भाई से बहुत प्यार करते हैं। इस फिल्म में इन्होंने बड़े भाई का किरदार बखूबी निभाया, जिसके चलते पॉपुलर हो गए। अगर बात करें इनकी पत्नी की, तो इनकी पत्नी का नाम जालपा खेड़ेकर है, जिनसे इन्होंने 1993 में शादी की। आज इनके दो बेटे हैं। आपको बता दें, इनकी पत्नी हाउसवाइफ है और अपनी फैमिली का अच्छे से केयर करती है। आपको बता दें, इनकी पत्नी दिखने में बड़ी खूबसूरत है, जैसा कि इनकी तस्वीर में आप देख पा रहे हैं। नंबर 4, रवि किशन। इस फिल्म में रामेश्वर का किरदार अभिनेता रवि किशन ने निभाया, जो इस फिल्म में निर्जला के मंगेतर होते हैं। इस फिल्म में इनका किरदार काफी साधारण सा था, जिसे बहुत ही शानदार तरीके से निभाते हैं और पॉपुलर हो जाते हैं। अगर बात करें इनकी पत्नी की, तो इनकी पत्नी का नाम प्रीति किशन है, जिनसे इन्होंने काफी सालों पहले शादी की। आज इनकी एक बेटी भी है, जिसका नाम रिवा किशन है, जो कि अपने पापा की तरह अभिनेत्री है। आपको बता दें, इनकी पत्नी हाउसवाइफ है, जो अपने पति की हर सिचुएशन में काफी सपोर्ट करती है। नंबर 3, सलमान खान। इस फिल्म में मुख्य किरदार राधे का निभाया सलमान खान ने, जो इस फिल्म में निर्जला से बेइंतहा मोहब्बत करते हैं, लेकिन जब निर्जला की मृत्यु हो जाती है तो वो पागल हो जाते हैं। इस फिल्म में सलमान खान ने सनकी आशिक का किरदार बड़े अच्छे से निभाया, जिसे दर्शकों ने बड़ा पसंद किया। लेकिन अगर बात करें इनकी पत्नी की, तो आपको बता दें, इन्होंने शादी ही नहीं की है, लेकिन इन्होंने कई फिल्मों में अभिनेत्रियों के साथ काम किया है ना, उनके साथ इनका अफेयर बड़ा रहा है, लेकिन इन्हें सच्चा प्यार नहीं मिला, जिसलिए आज भी सिंगल है। नंबर 2, भूमिका चावला। इस फिल्म में मुख्य कैरेक्टर निर्जला भारद्वाज का अभिनेत्री भूमिका चावला ने निभाया, जो एक सीधी साधी लड़की होती है और राधे से प्यार कर बैठती है, लेकिन जब इनकी शादी किसी और से हो जाती है तो वो सुसाइड कर लेती है। इस फिल्म में इन्होंने अपने किरदार को जबरदस्त तरीके से निभाया और अपनी पहली ही बॉलीवुड फिल्म में स्टार बन गई। अगर बात करें इनके रियल लाइफ पति की, तो इनके पति का नाम भरत ठाकुर है, जिनसे इन्होंने 21 अक्टूबर 2007 को शादी की। आज इनका एक बेटा भी है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता देंगे, इनके हस्बैंड प्रोफेशन से एक प्रोड्यूसर है, जिन्हें थाकिता थाकिता फिल्म प्रोड्यूस करने के लिए जाना जाता है। नंबर 1, राधिका चौधरी। इस फिल्म में साइड रोल के तौर पर राधिका चौधरी नजर आई, जिन्होंने इस फिल्म में एक गूंगी भिखारन का किरदार निभाया और ये राधे को पागल खाने जाने से रोकती है, क्योंकि राधे ने इनको गुंडों से बचाया था। इस फिल्म में इन्होंने गूंगी भिखारन का किरदार अच्छे से निभाया और ये दर्शकों की चहेती कलाकार बन गई। अगर बात करें इनके निजी जीवन की, तो इन्होंने शादी नहीं की है और ना ही किसी के साथ इनका अफेयर रहा, क्योंकि इन्होंने हमेशा ही अपने करियर को प्रायोरिटी दी, जिसके चलते ये हमेशा से ही अपने प्रोफेशनल लाइफ में बिजी रही। इस वजह से इन्होंने इन सब चीजों पर ध्यान नहीं दिया। तो दोस्तों, आपने तेरे नाम फिल्म कब देखी थी, कमेंट बॉक्स में बता दो। और बॉलीवुड से जुड़ी और भी बातें जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर डालो।